बहुत टाइम से मैं एथनिक हॉल ला रही हूँ ना तो मुझे लगा कि कुछ तो वेस्टर्न भी शेयर करना चाहिए क्योंकि मेरी तो हर तरह की ऑडियंस है ना जो एथनिक प्लस वेस्टर्न दोनों ही पसंद करती है तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वेस्टर्न वेयर जिसमें मैं दिखाने वाली आपको मैक्सी ड्रेस और जम्पसूट जो कि काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे तो ये है वो सेवन मैक्सी ड्रेस और जमसूट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ फटाफट पर येलो कलर की ड्रेस पहनी है ना ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही ली थी अभी कुछ महीनों पहले एंड ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है प्रॉपर मैक्सी ड्रेस है एंड इसका जो नएक है है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बीनेक इसमें सीफी कम्फर्टेबल लिंक मुझे मिला ना तो मैं इसको भी जरूर आपके साथ शेयर करूँ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना मेरी अदर वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको वो सब भी अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना बैलकन प्रेस करना फॉर ऑल नोटिफिकेशन तभी आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी खाली सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर की बात कहते हैं मेरे पहले प्रोडक्ट की जो की है ये ग्रीन कलर की ड्रेस ये बहुत प्यारी मैक्सी ड्रेस है इसका जो नेक है वो भी आप देख सकते हो फ्रंट से भी बंद ही है और पीछे से भी एंड इस पे ये जिक जैक लाइन वाला पैटर्न दिया हुआ है ये इसकी स्लीव्स है बलून वाली इसमें कोई भी लाइनिंग अवेलेबल नहीं है स्लीव्स में स्लीव्स भी इसकी काफ़ी कम्फर्टेबल है एंड ये अच्छी प्यारी मॉडर्स्टर मैक्सी ड्रेस है इसमें इतना लॉन्ग है ये काफ़ी ज़्यादा तो अगर आपकी हाइट फाइव फोर फाइव टू है तो और ज़्यादा लंबी आएगी आपको मेरी हाइट फाइव सिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे परफेक्टली मतलब अच्छी इसकी लेंथ आई है साइड में इसमें ऐसे चैन दी हुई है जिसे आप ओपन करके आराम से इसे वेयर कर सकते हो अंदर पूरी ही ड्रेस में लाइनिंग है टॉप टू टौ बॉटम तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगी चांसी नहीं है सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर कोई सी भी ब्रा वेयर कर सकते हो और इसके नीचे शॉर्ट्स वेयर करना मत भूलना क्योंकि ड्रेस नीचे से खुली हुई है तो ये पीछे से इसमें वही सिक्जैक्ट वाला पैटर्न है सिंगल बटन दिया हुआ है छोटा सा की होल डिज़ाइन है तो पीछे से एंड फ्रंट से बिल्कुल सेम ही पैटर्न है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा इसका फैब्रिक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है दूसरी बात पता है क्या है ड्रेस का सबसे अच्छा क्या होता है मैक्सीस और तो जंप सूट का कि आपको पेयर करने की प्रॉब्लम नहीं होती कि टॉप के साथ बॉटम पेयर करना है बॉटम के साथ टॉप क्या पेयर करें ये वाला जो एक झंझट होता है ना उसमें सॉल्व हो जाता है तो मुझे इसलिए ड्रेस काफ़ी अच्छी लगती है तो आप देख सकते हो ये जैसे मॉडल पे दिख रही थी वैसे ही रिसीव हुई है एक्जैक्टली exactly. हर पा ब्रांड की है ये इसमें आपको फोर कलर ऑप्शन मिल जाएंगे एक है ब्लैक ब्लू पीच कलर और ग्रीन कलर मैंने आपको ग्रीन दिखाया है और वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्सेल तक का साइज़ इसमें अवेलेबल है मैंने लिया स्मॉल साइज़ और ये मुझे परफेक्टली फिट हुआ है ट्रिपल नाइन रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वन एंड ये कॉटन मटीरियल में आपको मिलेगा कॉटन मटेरियल के हिसाब से ये बहुत प्यारी ए लाइन मैक्सी ड्रेस है इसमें थ्री फोर सीज भी आपको मिल रही है और काफ़ी प्यारी ड्रेस भी आपको मिल रही है तो अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है ना तो इसे ज़रूर ले लेना कलर चॉइस आपकी हो सकती है आपको ब्लैक पीच ब्लू कोई सा भी ले सकते हो बट पर्सनली मुझे ये ग्रीन कलर अच्छा लगा तो मैंने आपको ये शो कर दिया बट ये ड्रेस बहुत कंफर्टेबल है अगर आपको कोई मैक्सी ड्रेस चाहिए मॉडस्ट में तो ये आप पिक कर सकते मेरी नेक्स्ट जम्पसूट की ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बहुत प्यारा ग्रे कलर का जम्पसूट है ये भी मॉडस्ट फेयर है इसमें फ्रंट में आप देख सकते हो वी नेक दिया हुआ है इस तरीके से और ग्रे और वाइट कलर का बहुत ज़्यादा प्यारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इस तरीके से पूरा लाइनिंग पैटर्न है एंड ये इसकी स्लीव्स हैं ऑलमोस्ट फुल ही मानो उनको एंड स्लीव्स आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस हैं तो आराम से आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा ये एंड ये पूरा जम का फ्रंट पार्ट है ठीक है ये बिल्कुल यहाँ से डिवाइड हो जाएगा यानी कि ये दो पैर इसके दिख रहे होंगे आपको तो ये काफ़ी लंबा है अकॉर्डिंग टू माई हाइट फाइव सिक्स ये मुझे परफेक्टली आया है लेंथ में एंड ये इसकी डोरी है डोरी यहाँ से अटैचड है ये मैं सोचना यहाँ से निकल जाएगी तो इसको आपको जैसे यहाँ से अटैचड है अगर लेफ्ट में तो आपको राइट में ला इसका नोट बांधना होगा ये ना बहुत कम्फर्टेबल है पीछे से भी आप देख सकते हो उस तरीके का प्रिंट है काफ़ी लंबी जिप इसमें दी हुई है जो नीचे तक आएगी ये चैन जो इसकी वजह से आप इसे ईजिली वेयर कर पाओगे और इसको मतलब बहुत कम्फर्टेबल होता है मेरे को पर्सनली जंपसूट सूट बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें पॉकेट दी हुई है दोनों ही साइड और काफ़ी गहरी पॉकेट है आप आराम से इसमें मोबाइल हैंकी पैसा कुछ भी रख सकते हो जो आपकी मर्जी हो जो उसमें आ जाए एक्चुअली इस जंपसूट सूट की जो फिटिंग है ना थोड़ी सी लूज़ लूज सी है आप देख सकते हो उसके जो पैर हैं नीचे से कितने ज़्यादा ब्रॉड हैं ठीक है जो लाइगेरिया है इसका काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है तो ये ऐसे फिटेड नहीं आएगा बिल्कुल ऐसे प्लाजो की तरह नीचे पड़ा रहेगा बहुत प्यारा जम सूट है ये है कॉटन फैब ब्रांड का पहनने के आ, मतलब मेरे को पहना हुआ देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेंथ में भी और साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसमें आपको एक सिंगल यही कलर कलर मिलेगा ग्रे और वाइट कॉम्बिनेशन स्मॉल से लेकर थ्री एक्सल तक के साइज़ इसमें अवेलेबल है तो आप अपना कोई सा भी जो साइज़ है आपका एक्सेल हो टू एक्सेल थ्री एक्सेल स्मॉल मीडियम आप कोई भी इसमें पिक कर सकते हो एंड इसमें मैंने लिया है स्मॉल साइज मुझे ये परफेक्टली फ़िट हुआ है स्मॉल के अकॉर्डिंग ना तो टाइट है ना बहुत ज़्यादा लूज़ है बिल्कुल ब्यूटीफुल फिटिंग इसकी आ रही है एंड बेसिक जमसूट है ये कॉटन मटेरियल का सिपर भी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आई होप है आपको पसंद आया होगा एंड ये कॉटन मटेरियल के साथ से ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपके पास के ग्रे वाले ईयरिंग्स हो ना वो इसके साथ वेयर कर सकते हो कुछ ब्लैक में या वाइट में कर सकते हो और जम बहुत ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं पता नहीं लोगों के दिमाग में क्यों आता है कि अगर चैन पीछे है तो हम इसको कैसे खोलेंगे यार देखो मैं बता जब आप इसे पहनते हो ना तो ऐसे करके चैन बंद करी तो आपकी जो ब्रा बेल्ट आती है यहाँ पर यहाँ तक तो ऐसे बंद हो जाता है ये ठीक है जहाँ तक आप कैसे हाथ आ रहा है और फिर पीछे से ऐसे करके मैं पूरा बंद कर लेती हूँ ये मेरा स्टाइल है मैं जब सूट में बहुत कम्फ़र्टेबल हूँ मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती हाँ कभी सिर्फ पटक गई तो बात अलग है बट पर पर्सनली मैं इसको आराम से ओपन कर लेती हूँ आराम से इसको बंद भी कर लेती हूँ जब मैं बाहर इसे वेयर कर करके जाती हूँ तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली ऑप्शन है अगर आपको दिक्कत है कि यार लॉन्ग ट्रैवल में ये दिक्कत दे सकता है या फिर आपके हाथ पीछे ऐसे नहीं पहुँचते हैं तो आप ये कर सकते हो कि आप इसे तभी पहनो जब आपके साथ कोई फ़ीमेल ज़रूर हो जिसके हा आप हेल्प ले सको वॉशरूम में जाके गएार भी नहीं चैन वैन खोल दे पीछे से थोड़ा सा एंड वो आपका हेल्प कर सके अकेले में इस तरह का जंपसूट मत वेयर करके जाना या फिर आपके साथ आप किसी ऐसे बंदे के साथ जा रहे हो जिसके किससे आप हेल्प नहीं ले सकते तो भी इसको वेयर मत करना अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो चैन बंद करने के वो तो घर में आपको पता चल जाएगा ना आप खुद से चैन बंद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो ये मैंने जंप की आपको सॉल्व कर दी तो जंप उनके लिए है या तो वो ख़ुद से वेयर करें फ्लेक्सीबल उनके हाथ पैर इतने या फिर आपके साथ कोई हो जो आपकी चैन बंद करने में और खोलने में मदद कर बात करते हैं मेरी थर्ड प्रोडक्ट की जो कि है ये ब्यूटीफुल सी मैक्सी ड्रेस आपने लिबास के सूट वगैरह तो पहने ही होंगे अमेजोन पे अवेलेबल है लिबास ब्रांड तो मैंने उसकी ये मैक्सी ड्रेस परचेज की है बहुत मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई थी और काफ़ी अच्छी मैक्सी ड्रेस है तो ये इसका वी वीनेक है आगे से फ्रंट बैक से बिल्कुल बंद है आगे से इस तरह का वी वीनेक दिया हुआ है इसमें रेड ब्लू और वाइट कलर का ये प्रिंटेड पूरी मैक्सी ड्रेस है ओवरऑल इसमें प्रिंट है आप देख सकते हो पास से भी इसका लुक ये इसकी स्लीव्स हैं स्लीव्स इसकी ऑलमोस्ट फुल हैं काफ़ी अच्छी हैं और ये थोड़ा सा हार्ड सा इस तरह से बुखरम टाइप वाला इसमें एंड दिया हुआ है इसका स्लीव्स का जो आपकी रिस्ट पे आएगा जो काफ़ी कंफर्टेबल भी है फिर फ्रंट में नहीं मोती मोती जैसे बटन्स दिए हुए जो ओपन नहीं होते बस शो के लिए लगाए हुए हैं बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये एक अनारकली मैक्सी ड्रेस है यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेयर है काफ़ी अच्छा देख सकते हो आप काफी चौड़ा इसमें फ्लेयर दिया हुआ है और इसका प्रिंट भी काफी ज्यादा प्यार है तो जिनको इस तरह के प्रिंट पसंद होते हैं ना मुझे लगता है काफी लोगों को पसंद होता है इस तरह के प्रिंट मैंने काफी लोगों को देखा इस तरह का कुछ पहना हुआ तो ये बैक साइड से आप देख सकते हो सेम ही इसमें प्रिंट है इन्होंने लेफ्ट साइड में इसमें एक पॉकेट दी हुई है जो किसी काम की नहीं है बहुत छोटी है यार इसमें बस हैंग की रख सकते हो फ़ोन तो रख ही नहीं सकते इसमें पैसे भी इसमें गिर ही जाएंगे क्योंकि एक तो बहुत ऊपर है और ज़्यादा गहरी नहीं है थोड़ी गहरी होती ना तो आप आराम से कुछ भी इसमें रख सकते थे तो मॉडल पे आपको स्टार्टिंग में पिक दिखाई थी मैंने वैसी ही ये रिसीव हुई है एक्जैक्टली बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्लीव और लॉन्ग मैक्सी ड्रेस है तो जिनकी हाइट फाइव फीट के अराउंड है मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी है या फिर आपको ये कटवानी पड़ जाएगी या फोल्ड करवानी पड़ जाएगी एंड मेरी हाइट फाइव सिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे परफेक्ट आ रही है डिपास ब्रांड की है एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक के साइज इसमें अवेलेबल है मैंने इसमें स्मॉल साइज उसके अकॉर्डिंग आप इसकी फिटिंग मेरे ऊपर देख ही सकते हो ये आपको मिल जाएगी डबल फोर नाइन में डबल वन फोर नाइन यानी कि एक हज़ार एक सौ फोर्टी नाइन रुपीज़ में और ये मिल जाएगा आपको कॉटन मटेरियल में तो बहुत ही अच्छी फिट एंड मैक्सी ड्रेस है ये बिल्कुल लॉन्ग टाइप है तो आप इसको आराम से वेयर कर सकते हो जिनको मॉडस्ट में मैक्सी ड्रेस चाहिए होता है ना कि फ़ुल स्लीव्स हो फुल लेंथ हो नहीं पहन सकते शॉर्ट लेंथ किसी भी वजह से तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है दूसरी बात क्या ये इतना लूज सा पैटर्न है ना बहुत फिटेड नहीं है तो अगर आपका वेस्ट हैवी uh, साइड है आपकी बैली है जो आपको हाइड करनी है कुछ ऐसा पहनना है कि क्या ड्रेस भी हो बट बहुत चिपका हुआ ना हो तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है ये आप काफ़ी अच्छा लगेगा और ग्यारह के हिसाब से कॉटन मटीरियल की ब्यूटीफुल ड्रेस आपको मिल रही है तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपके अच्छा लगे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं कहते मेरी नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि है बहुत ब्यूटीफुल सी थी ड्रेस ये बहुत प्यारी है इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसमें बैक में तो आप देख सकते हो नैक बिल्कुल बंद है आगे से इस तरीके का पीना है कैस में जो हल्का सा डीप है बट उतना नहीं है कि आपकी क्लीवेज दिखेगी बट आप एक काम कर सकते हो उसमें जैसे कि ये ओपन है ना फ्रंट का इस तरीके से तो आप यहाँ पे एक हुक लगवा सकते हो या फिर वो आ, हाँ होकर लगवा सकते हो ज़्यादा अच्छा रहता है और इससे आप एक कम्फर्टेबल भी रहोगे इसका जो लुक है प्रिंट है मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है इसमें ये फ्रिल वाली पूरी स्लीव दी हुई है इस तरीके से फ्रिल वाली जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं फ्रंट में आप लुक इसका देख सकते हो इसमें डोरी दी हुई है जिसको आप टाई कर सकते हो फ्रंट में या बैक में मैंने बैक में किया हुआ ऐसे टाई पूरी नीचे से काफ़ी फ्लेयर है इस ड्रेस में और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसमें नहीं फ्रंट ओपन है इस तरीके से फ्रंट ओपन है बट चलते हुए और बैठते हुए ऐसे फ्रंट में ओपन नहीं होगी बट उन्होंने दी है अंदर इसमें पूरे में लाइनिंग अवेलेबल है पूरी ही ड्रेस में जो कि आप देख सकते हो तो पूरी ड्रेस में अंदर लाइनिंग है फ्रंट से जहाँ से ओपन हो रही है मैंने पहन के आपको दिखाया हुआ है कि इस तरीके से ओपन आप जबरदस्ती करोगे तो अभी आपको दिखेगा बाकी पीछे की साइड इसमें ये चैन दी हुई है पूरा देख सकते हो आप पूरी चैन है आपका और तो देख सकते हो आप मिस चेस ब्रांड की है ये मॉडल पे जैसी दिखती थी और वैसे ही सेम इन्होंने भेजी है वेयर करने के बाद ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये आपको मल्टी कलर टॉयस कलर में मिल जाएगी एंड ये सिंगल ही कलर इसमें अवेलेबल है कोई और कलर नहीं है एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके अक्सर तक के साइज़ इसमें दे रखे हैं मैंने लिया स्मॉल साइज उसके अकॉर्डिंग मुझे परफेक्टली फ़िट हुई है ट्वेल्व नाइन्टी एट रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगी एंड आपको ये मिलेगी क्रेप फैब्रिक में आई डोंट नो हाउ कम इन्होंने क्रेप फैब्रिक दिया हुआ है बट ये बहुत ज़्यादा प्यारी है ये बहुत कम्फर्टेबल है सॉफ्ट है ठीक है क्रेप फैब्रिक जनरली मुझे पसंद कम आता है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है या तो इसकी लाइनिंग अंदर से सॉफ्ट है ये हो सकता है क्योंकि ये बहुत प्यारी लग रही है पहनने के बाद भी तो अगर आप कुछ पार्टी वेयर के हिसाब से कुछ देख रहे हो ना तो भी ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप किसी ओकेजन पे जा रहे हो या फिर आप घूमने जा रहे हो तो भी आप इसको वेयर कर सकते हो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है और ये अच्छी भी है और कलर ऐसा है जो हर किसी स्किन टोन पे सूट कहते हैं मेरे नेक्स्ट जम सूट की जो कि है ये आप खोते होंगे ग्रे कलर के जम सूट आज क्यों दिखा रही हूँ मैं बट पता नहीं यार मुझे ये दो ऑप्शन अब बहुत अच्छे लगे और ये इसकी फिटिंग और लुक ना बहुत स्मार्ट आ रहा है तो वो तो मैंने आपको फुल स्लीस तरह दिखाया था तो अगर आपको मॉडस्ट में कुछ देखना था तो वो ले सकते हो जो मैंने इससे पहला ऑप्शन आपको दिखाया है पर अगर आपके साथ स्लीवलेस होने का या स्लीव होने या नो होने का फ़र्क नहीं पड़ता तो ये एक बेटर ऑप्शन है इसमें इस तरीके से फ्रंट से वी वीनैक दिया हुआ है और वही वी वीनै इसकी बैक में भी है बिल्कुल सेम और इसमें फ्रंट में इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ओपन हो जाता है तो आप इसमें हुक लगवा सकते हो बट ये पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल है इसमें इस तरीके की पूरी स्लीव सी हुई है। हैं बस कहने के लिए स्लीव्स है बट ठीक है स्लीवलेस है तो बहुत ही सही है छोटी सी फ्रिल वाली पर ये काफ़ी स्मार्ट लग रही है इस तरीके से इसमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ब्लैक कलर की लाइनिंग्स जा रही हैं वर्टिकल उसमें तो ये जो लंबी लाइनें जाती हैं वर्टिकल होती हैं अगर लाइनें इस तरीके से होती हैं ठीक है तो हॉरिजॉन्टल होती हैं लेकिन लंबी लाइनें तो वर्टिकल है तो ये आपको और थोड़ा लंबा दिखाती हैं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं एंड इसमें इसका जो लुक है बहुत अच्छा है इसके जो पैरों का एक साइज़ है ना बॉटम का वो भी कम्फर्टेबल है तो ये बिल्कुल टाइट नहीं है जमसूट बहुत कम्फ़र्टेबल है बिलो द वेस्ट तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको अच्छा लग रहा है उसे ज़रूर ट्राई करना मंगा के बहुत प्यार लग रहा है ये इसकी चैन दी हुई है बैक साइड में और इसमें आगे, आगे आपने देखा होगा बकल वाला पैटर्न ऐसे दिया हुआ है खाली बकल लगाया लगा हुआ है कोई बेल्ट ब्रेड ऐसी नहीं है बट ये बहुत स्मार्ट लग रहा है तो गाइस ये है मिस चेस ब्रेंड का पहनने के बाद आप देख सकते हो मॉडल पे भी कितना स्मार्ट लग रहा था पहनने के बाद इसकी फ़िटिंग ही बहुत अलग आ रही है आप इसे ब्लैक कलर की स्लिंग के साथ कैरी कर सकते हो ब्लैक एंड वाइट कलर में एक सिंगल यही कलर अवेलेबल है एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक के साइज़ इसमें आते हैं मैंने आज स्मॉल साइज़ मुझे परफेक्टली फ़िट हुआ है एलेवन सिक्सटी एट रुपीज़ में आपको मिल जाएगा और ये मिलेगा आपको पूरा स्टे ऑन प्लैंड फैब्रिक में बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल ग्रे कलर का जम है ये पहनने के बाद इसकी फिटिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपके अच्छा लग रहा है ना तो इसको ज़रूर देना इसे जरूर ट्राई करो जम सूट मंगा के देखो खुद से अगर आपने कभी जम नहीं पहने पहन के देखो अगर आपने एक बार आप जम्पसटूट में कंफर्टेबल हो गए ना तो आप ड्रेसेस वगैरह या टॉप वगैरह की तरफ नहीं जाओगे मैं सही बता रही मैंने आप कितना भी अच्छा जीस और टॉप पेयर कर लो बट जो लुक जम सूट पहने के बाद आता है वो लुक ना मुझे किसी और चीज़ में कभी दिखा नहीं तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे ट्राई देना है एक अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे रिटर्न कर सकते हो रिटर्न रिफंड पॉलिसी में तो उनकी बहुत अच्छी है बट जैस बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट है, की जो कि है ये मिंट ग्रीन कलर की मैक्सी ड्रेस ये बहुत प्यारी मैक्सी ड्रेस है मैं पहले बता दूँ मॉडर्स नहीं है क्योंकि इसमें स्लीवस सिर्फ ये स्टैप्स वाली स्लीव दी हुई है बैक साइड आप देख सकते हो इसका मैं दिखा दूँगी आगे से इस तरीके से इसका कट है जो हल्का सा डीप है आप चाहो तो यहाँ पे हुक लगवा सकते हैं उन्होंने तो नहीं दिया ये जो स्टेप्स इसमें दे रखी है एडजस्टेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो फ्रंट लुक आपने देख ही लिया है इसमें ना फैब्रिक में भी इस तरीके का वर्क है दिख रहा है आपको तो बहुत प्यारा वर्क इसमें दिया हुआ है फ्रंट में और नीचे से पूरी फ्लेयर आई है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बड़ा फ्लेयर इसमें दिया हुआ है देख सकते हो आप ये काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसमें अंदर लाइनिंग भी है जो लाइनिंग है आपकी हाफ थाई इसको कवर करेगी फुल लेंथ लाइनिंग इसमें नहीं दी है ध्यान रखना इसमें फ्रंट में ना इस तरीके से कट दिया हुआ है बट ये कट जब तक नहीं दिखेगा जब तक जबरदस्ती जब से अपनी टांग उसमें से नहीं निकालोगे तो ये कट इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है आप आराम से इसमें वॉक कर सकते हो मैं आपको दिखाऊंगी अभी पहन के लेकिन ये कट तभी दिखेगा जब आप इसमें से अपने पैर से बाहर निकालोगे तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल है उठने और बैठने में भी लंबी है काफ़ी ज़्यादा अंदर लाइनिंग भी है तो आप इसके नीचे बस सीमलेस ब्रा और सीम स्टेपलेस आपके अंदर ब्रा चलेगी इसके नीचे तो ये पीछे इसमें चैन दी हुई है जो जिसकी वजह से आप इसे कंफर्टेबली वेयर कर पाओगे तो जैसे कि इसमें ये स्ट्रैप्स हैं तो या तो आप ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाली ब्रा पहन सकते हो अगर आपको विदाउट स्टेप्स ब्रा नहीं समझ में आती वन आप इसके नीचे स्टिक ऑन ब्रा भी वेयर कर सकते हो या फिर आप इसके नीचे ब्रा वेयर कर सकते हो जिनमें स्टेप्स नहीं होती ट्यूब वाली तो उसमें ये कंफर्टेबल रहेगा नीचे इसमें सीमलेस पेंटी वेयर कर लेना वो भी अमेज़न पर आपको मिल जाएगी एंड ये बहुत प्यारी लग रही है पहनने के बाद मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी बट ये बहुत अच्छी लग रही है तो देख सकते हो आप कैच ब्रांड की है ये कैच का भी बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है एंड ये आपको सिंगल इसी कलर में मिलेगी ग्रीन एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके अक्सर तक के साइज़ इसमें अवेलेबल है मैंने लिया स्मॉल साइज़ जिसके अकॉर्डिंग मुझे ये परफेक्टली फिट हुई है आपको पता है ये सिर्फ आपको सिक्स सेवेंटी नाइन रुपीज़ में मिल जाएगी यानी कि सिर्फ छः सौ अस्सी रुपये में बहुत प्यारी ड्रेस मिल रही है आपको भी पता है ऑफलाइन आपको इस तरह की ड्रेसेस बिल्कुल भी इतने पैसों में तो नहीं मिलने वाली मैं पॉलिएस्टर फैब्रिक है तो बहुत प्यारी मैक्सी ड्रेस है ये स्लीवलेस तो अगर आप स्लीवलेस पहनते हो और आपको मैक्सी ड्रेस पसंद है तो जस्ट गो फॉर रेड बहुत अच्छा लगेगा आप पे और ये पॉलिस्टर फैब्रिक के अकॉर्डिंग बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है काफ़ी अच्छा कलर है आपके वैकेशन okay, वगैरह पे आप इसे वेयर कर सकते हो अगर आपको आस पास नहीं कर सकते तो आप वैकेशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी लग रही है तो उसके ट्राई अगर आपको ये पसंद आती है हो सकता है आपके पहनने के बाद अच्छी लग रही है बट नॉट द लीस्ट बहुत प्यारी मैक्सी ड्रेस ये भी कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है सेम ब्रांड लिबास से है ये भी एंड ये इसका नेक है आप देख सकते हो ये पीछे से ऑलमोस्ट बंद है आगे इस तरीके से नेक दिया हुआ है इसमें फ्रंट में ना ये डोरी दी हुई है टेसेस के साथ तो आप इसे टेसेस को बांध के आराम से वेयर कर सकते हो बहुत प्यारा ब्यूटीफुल प्रिंट है इसमें बहुत ही वाइब्रेंट कलर यूज़ हुए हैं ऑरेंज येलो पिंक और इस तरह के आप कोई भी बॉटम या इयर इसके साथ पेयर कर सकते हो ये इसकी स्लीव्स हैं स्लीव्स पे थोड़ा सा अलग सा प्रिंट है जैसे uh, मिड में तो इसमें फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है काफ़ी बड़ा बड़ा इसमें इस तरीके का प्रिंट है सीज पे एंड सीज में भी ये डोरी है मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये डोरी पहले आप टाई कर लेना क्योंकि पहनने के बाद जैसे टाई करने में ना मुश्किल होता है मैंने तो पता नहीं कैसे टाई किया था क्योंकि पहनने के बाद ही टाई किया तभी मुझे पता चला कि पहले ही कर लेना चाहिए था पीछे भी इसमें पूरे में इस तरीके का प्रिंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा प्यार ये अच्छी खासी अनारकली है इसमें मतलब बहुत अच्छा घेरा इसमें दिया हुआ है और ये इसका पूरा प्रिंट है काफ़ी अच्छी है ये और ये इसमें अंदर कोई भी लाइनिंग अवेलेबल नहीं है तो आप इसके नीचे जो भी पहनो वो सिर्फ आपका न्यूड होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल रहो नीचे इसमें शॉर्ट्स वेयर करना मत भूलना ये है लिबास की यानी लिबास ब्रांड की आपको पता है लिबास के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं तो इसकी मैक्रियल तो है ही ऑसम सिंगल आपको यही कलर इसमें मिलेगा एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर डबल तक के साइज इस ड्रेस में दे रखे हैं बट एक्सेल और डबल एक्सेल आउट ऑफ स्टॉक है ये मिल जाएगा आपको सेवन थर्टी नाइन टू में कॉटन मटेरियल है तो कॉटन मटेरियल के साथ से आपको सिर्फ सात सौ चालीस रुपये में मैक्सी ड्रेस मिल रही है जो कि काफ़ी प्यारी है और मॉडेस्ट भी है और तो इसकी लेंथ इसका साइज़ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट आया है इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है हर स्किन टोन पे सूट होगा और जो इसमें वाइब्रेंट कलर का जो ये इसमें प्रिंट दिया हुआ है ना इस वजह से आप इसे किसी भी इयर और फुटवेयर के साथ पेयर कर सकते हो काफ़ी प्यारा लगेगा अच्छा ऑप्शन है जस्ट गो फॉर इट अगर आपको ये पसंद आए ये थे कुछ प्यारे प्यारे ऑप्शन और जम्पसूट के जो मैंने आपको दिखाया होप आपको ये पसंद आए होंगे अगर आपको इस तरीके की और वीडियो देखती है तो मेरे को प्लीज़ रिकमेंड कर देना नीचे एंड मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी बहुत सारा वीडियोज़ टाइम पेंडिंग हो रही है तो इसलिए अच्छा आपको लगातार भी शक्ल देखने को मिल रही है और ये अकल भी मैं फिर से आऊँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ रात को पौने दस बजे या दस बजे तक मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आई होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आया हो ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पै लेक कर प्रेस करना फॉर ऑल नोटिफिकेशन तभी आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी क्योंकि जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मैं फेस्टिव के हिसाब से काफ़ी अच्छे कलेक्शन आपके लिए लेके आने वाले तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले तो जल्दी से मिलते मेरी नेक्स्ट वीडियो पर कल ही अपना ख्याल रखना तब तक के लिए बाई